वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th IUC फिजिक्स का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं, जो चैप्टर्स ऐड करे गए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, एंड यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं या फिर न्यूली ऐड करे गए हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको पढ़ने हैं या फिर जो नहीं पढ़ने हैं। ओके, एंड चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे एंड आप सारे वो टॉपिक्स नोट डाउन करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपको चार चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको पढ़ना है पूरा, कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं है। ठीक है, गॉस थ्योरम ये भी पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी पूरा पढ़ना है, इसमें भी कुछ रिड्यूस नहीं है। बात करें कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स की, तो ये भी पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। बट इस चैप्टर में एक चेंज आया है, जो कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक चैप्टर है इसमें आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला प्रिपेयर करने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड डाइइलेक्ट्रिक्स, एनर्जी स्टोर्ड, इनके सबके आपको डेरिवेशन नहीं प्रिपेयर करने। लास्ट ईयर क्या था, स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के डेरिवेशन प्रिपेयर करने पड़ते थे, बट इस बार ये चेंज है कि आपको डेरिवेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको दो चैप्टर मिलेंगे, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक रिड्यूस है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने ये नोट डाउन कर दिया है, आप भी इसे लिख लीजिए। ओके, जो चैप्टर 6 है डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक्स रिड्यूस है मैंने वो आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जो न्यूली ऐड करे गए हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 3rd, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको टोटल चार चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है एंड इस चैप्टर से एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है, साइक्लोस्टोन वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में ही है ये टॉपिक जो रिड्यूस है एंड ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंड जो 8th चैप्टर है वो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये चैप्टर भी पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। 9th चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर में एक टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप चैप्टर अपना पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। जो 8th टॉपिक है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में दिया है, आप देख लेंगे एंड वो रिड्यूस है, उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10th है आपका मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये जो चैप्टर है ये लास्ट ईयर रिड्यूस था, स्टूडेंट्स को ये चैप्टर नहीं पढ़ना था, बट इस बार ये चैप्टर ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज एंड जो भी सारी चीजें हैं चैप्टर में, सब कुछ पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ से क्लियर हो गया, ये जो आपका 7th चैप्टर है इसमें जो साइक्लोस्टोन वाला टॉपिक है वो रिड्यूस है, ये 8th चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिज्म में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस है ये वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। जो हमारी 4th यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे एंड दोनों चैप्टर्स आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं, कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं करा गया है। उसके बाद एक और यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट वाली बुक थी उसके जो भी रिड्यूस या फिर न्यूली एडेड चैप्टर्स या टॉपिक थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं
एंड आप ये सारे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जितने भी बोर्ड 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा पढ़ें, ठीक है, जो रिड्यूस है या फिर जो उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए. फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ वही चीजें पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है. दैट्स इट. ओके, अब हम देखेंगे जो आपके रिड्यूस टॉपिक है नेक्स्ट बुक वाले, यानी ऑप्टिक्स वाले, वो देखेंगे. ओके, सो नाउ योर सिक्स यूनिट इज ऑप्टिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड काफी सारे चैप्टर्स हैं इसमें. सो जो आपका 14 चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स. पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है. चैप्टर 15 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन इंटरफेस एंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है. 16 चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस यानी लेंसेस, वो भी पढ़ना है आपको. नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो ये जो चैप्टर है इसमें टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं. सबसे पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिड्यूस किया गया है, ठीक है, एंड रिलिक्स थ्योरी जो है वो भी रिड्यूस करी गई है, जिसमें इन्होंने बताया था दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. सो वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिड्यूस है. एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनराइज और सनसेट. क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है. नेक्स्ट है आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में जो रिजॉल्विंग पावर्स हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो रिड्यूस करी गई है, ठीक है. मैग्नीफाइंग पावर्स पढ़नी है बट रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिड्यूस है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़नी है. 19 चैप्टर है आपका वेव नेचर ऑफ लाइट हाइजेंस प्रिंसिपल, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना है, बट ये जो 22 चैप्टर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये रिड्यूस है. पूरा चैप्टर रिड्यूस है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आप काट दीजिए, ठीक है. सो अब हम बात करेंगे 7th यूनिट की, जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. इसमें आपको 3 चैप्टर दिए हैं आपके सिलेबस में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स एंड एक्सरेज, जिसमें आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, मैटर वेव्स पढ़ना है. बट ये जो एक्सरेज वाला चैप्टर है ये पूरा रिड्यूस है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है. मैटर वेव्स में लास्ट ईयर एक टॉपिक रिड्यूस किया गया था, डेवेसियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो इस साल पढ़ना है, ठीक है. एंड 8th यूनिट है आपके एटम्स एंड न्यूक्लियाई. इसमें आपको एटम ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, इसमें बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़नी है आपको, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, पूरा चैप्टर. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी पूरा चैप्टर पढ़ना है. रेडियो एक्टिविटीज में से रिड्यूस है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है. मास एनर्जी इक्विवेलेंस पूरा पढ़ना है. न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है. यहाँ से क्लियर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस है. डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक्सरेज रिड्यूस है, ठीक है. जो आपकी 9th यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है. जंक्शन डायोड्स पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है. लास्ट ईयर इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिड्यूस किया गया था, ज़ीनर डायोड. बट इस साल आपको ज़ीनर डायोड वाला टॉपिक पूरा पढ़ना है, वो रिड्यूस नहीं किया गया है. इसीलिए मैंने क्या बोला, जंक्शन डायोड पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी नहीं मिस करना है. जंक्शन ट्रांजिस्टर्स काट दीजिए, रिड्यूस है. लॉजिक गेट्स भी रिड्यूस है. जो आपकी आखिरी यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरी रिड्यूस है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके पास 2 चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसमें से आपको सारी चीजें पढ़नी है. ज़ीनर डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इस साल आपको पढ़ना है, वो ऐड किया गया है आपके सिलेबस में. सो बेसिकली ये था आपका सारा ISC बोर्ड 2025 का रिवाइज सिलेबस, ठीक है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.